ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा स्वयं गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी, किंतु आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, शस्त्र दीन ही नाखों में अश्रु भरे, तो मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को कुचले हुए साथ साथ। नमस्कार, मेरा नाम शिखर मिश्रा है और आप सभी का स्वागत है स्कॉलर आर्ट सेशंस के यूट्यूब चैनल पे। सो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज वॉन्ट टू बी एन एक्टर सीरीज। जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, फिर जो बाहर लोग हैं जो इस फील्ड में नए हैं, या फिर जो बहुत टाइम से भी हैं और जो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अलग लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। और आने वाले जो एपिसोड्स हैं वहाँ पर अलग अलग स्टफ़, नॉलेजेबल स्टफ़ आपसे हम शेयर करते रहेंगे अपने छोटी छोटी वीडियोस में। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज इसका पहला एपिसोड एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सवाल अक्सर कई लोग आके पूछते हैं और यूट्यूब पर जाके ढूंढते हैं और अलग अलग लोगों से इस टाइप के सवाल किए जाते हैं कि क्या एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, या फिर हम यूट्यूब से देख के, या फिर हम सिर्फ अपने घर में प्रैक्टिस करके सीखेंगे। और अगर यूट्यूब से भी देख रहे हैं तो क्या हम सही चीज़ देख रहे हैं, क्या हमें सही नॉलेज मिलती है, क्या हमें जो सही प्रैक्टिस का तरीका है क्या वो सीखने को मिल रहा है। सो ये बहुत बड़ा सवाल है और इसमें बहुत सारे मिथ लोगों ने जोड़ रखे हैं। एक एक करके इस वीडियो में उन मिथ को हम ब्रेक करेंगे और सही टेक्निक क्या होनी चाहिए, कहाँ पे आपको सीखना है, आपको किससे सीखना है और आप घर पे क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें जो है इस वीडियो में मैं कवरअप करूँगा। इसीलिए इस वीडियो को हमने अलग अलग भाग में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एक ही वीडियो के अंदर। पहला है हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। दूसरा हम बात करेंगे मिथ ब्रेकिंग, जो मिथ हैं जो एक्टिंग को लेके, स्पीड को लेके बहुत सारे मिथ बनाए गए हैं, उन मिथ को ब्रेक करना भी ज़रूरी है ताकि लाइक ऑडियंस जो है, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उन्हें मालूम रहे कि एग्जैक्टली क्या करना है, भटके नहीं हो राइट। एंड तीसरा जो हमारा पॉइंट है, दैट इज़ कि ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाएं, जो एक अच्छा ऑप्शन भी हो, ज़्यादा पैसे भी ना लगे और अच्छा भी हो राइट। और अगर हमारे आसपास वो मीडियम अवेलेबल नहीं है तो क्या घर पे रह के हम उन सारी एक्सरसाइजेस को करके अपनी चीज़ों को एनहेंस कर सकते हैं या नहीं, इफ यस तो कौन सी वो एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। और चौथा आता है कि जब हमने इतना सब कुछ जान लिया तो क्या हमारा डेली रूटीन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि एक एक्टर का डेली रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उस ट्रेनिंग के प्रोसीजर के अंदर ही आएगा राइट। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। मैं देखो, दो टाइप के एक्टर होते हैं इंडस्ट्री में, किसी भी, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो टॉलीवुड, दो टाइप के एक्टर होते हैं। एक जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, भाई बूढ़ी माँ को तो बंदूक के पटते मारो, और जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होती है। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो, वो कुछ ऐसे होते। अब आपको चूज करना है कि आपको क्या बनना है, आपको ये बनना है या फिर आपको ये बनना है। क्या बात है सर, क्या बात। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक बॉडी बिल्डर और एक यहाँ पे मान लेते हैं एथलीट, दोनों अपने अपने फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी फील्ड में और अच्छा कब कर पाएंगे, या फिर ये अपनी फील्ड में और एनहांस कब कर पाएंगे, जब इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होगी। एग्जांपल के तौर पे अगर एक बॉडी बिल्डर, उसकी बॉडी कब बनेगी, जब वो जिम जाए, जब वो वर्कआउट करें, जब वो डंबल्स उठाएगा, वेट लिफ्टिंग करेगा, डेडलिफ्ट करेगा, जो भी चीज़ें आपके जिम में होती जब वो करेगा और उसके बाद एक सही डाइट लेगा, उसकी बॉडी बन जाएगी। अब मान लेते हैं जो हमारा एथलीट है, ही और शी इज़ अ रनर, दौड़ने वाले हैं एथलीट, तो जब तक वो रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनके कोच उन्हें रनिंग की ट्रेनिंग नहीं देंगे कि आपको दौड़ना कैसे है, क्या सही टेक्निक होनी चाहिए, तब तक वो उतने अच्छे एथलीट नहीं बन पाएंगे। भाई दौड़ते तो सब हैं, दौड़ते हम भी हैं, आप भी दौड़ते हैं, लेकिन कैसे दौड़ना है, क्या सही तरीका होना चाहिए, तो जब तक उनका कोच उन्हें वो चीज़ें नहीं बताएगा, उन्हें राइट ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, वो अच्छे एथलीट नहीं बन पाएंगे। सो जब इन दोनों चीज़ों में आपने देखा कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, अगर आपको ये चीज़ें करनी है, सेम फॉर एक्टिंग, एक्टिंग करने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, ये बात लोग समझते हैं।
बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि एक्टर तो बाय बर्थ होता है, एक्टिंग का टैलेंट तो बाय बर्थ आता है, जिसके अंदर बचपन से वो टैलेंट नहीं है वो शायद एक्टिंग नहीं कर सकता, बट ऐसा नहीं है। ये क्राफ्ट है जो टाइम टू टाइम डेवलप किया जा सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक बच्चा है जो बचपन से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप शायद उतने नहीं हैं, लेकिन यू कैन अचीव दैट थिंग बाई यूजिंग राइट ट्रेनिंग, बाई डूइंग राइट एक्सरसाइज, सही गाइडेंस में आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब एक्टिंग जो है वो बाई बर्थ है, डायरेक्शन बाई बर्थ है। बाई बर्थ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बाई बर्थ कुछ ये हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसका बोलने की आदत बहुत अच्छी है, मतलब वो बोलता बहुत अच्छा है। आप में अगर वो नहीं है, शायद कुछ और जो नहीं है उसे आप सही ट्रेनिंग से डेवलप कर सकते हो और एक अच्छे एक्टर, एक अच्छे डायरेक्टर, एक अच्छे स्टेज डिज़ाइनर, म्यूजिक कंपोजर, जो भी आप चाह रहे हो करना आप कर सकते हो। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, विच इज़ मिथ ब्रेक। कौन कौन से ऐसे मिथ हैं जो एक्टर्स को बताए जाते हैं जब वो इस फील्ड में आते हैं? बहुत सारे लोग हैं बताने वाले, घर वाले भी हैं, बाहर वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, सब कुछ है। बहुत मिथ बताएंगे। पहला मिथ तो ये बताएंगे कि भाई नहीं होगा, जिनके पास पैसा है उनका होगा वरना नहीं होगा। पहला मिथ तो यही है, जिनके पास पैसा है उन्हीं का होता है, बाकी होता ही नहीं किसी को, मतलब साफ मना कर देते हैं। एक मिथ तो ये। दूसरा मिथ आता है, एक्टिंग करनी है अरे जाओ सीधा बम्बई जाओ, सीधा सीधा बम्बई जाओ, वहाँ जाके स्टार्ट करो सब कुछ। ये मिथ है, सबसे बड़ा मिथ है। तीसरा मिथ आता है कि भाई एक्टिंग करनी है, भाई पहले ये सोच कि क्या करेगा, थिएटर करेगा या फिर कैमरा करेगा, बिकॉज थिएटर एक्टिंग बिल्कुल अलग है, कैमरा एक्टिंग बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये भी मिथ। हाँ, डिफरेंसेस हैं कैमरा और थिएटर में, लेकिन ये नहीं कि वो अलग है वो अलग है, एक्टिंग तो एक्टिंग है यार। तुम थिएटर में करो, तुम कैमरा में करो, अभिनय अभिनय है, अभिनय चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ी सी टेक्निक चेंज हो रही है, पर अभिनय तो अभिनय है ना, वो भी थोड़ी है, पूरी पूरी नहीं चेंज हो रही कि थिएटर से जो बंदा कैमरा में वो बिल्कुल ही अलग है, ऐसा कुछ नहीं। एक चौथा मिथ भी है, एक्टिंग करनी है यार, आई कॉम्प्रोमाइज कर, एक बार ही करना पड़ेगा, करना ऐसे यार ब्रेक नहीं मिलता है, ब्रेक नहीं। चार मिथ है बहुत सारे, मैं भी इन बेसिक चार मिथ की बात कर रहा हूँ। मिथ हैं, अफवाहें हैं, बहुत कुछ है, इनका क्या नाम दोगे आप खुद सोचो, लेकिन इन मिथ को ब्रेक करने से पहले जो एक्टर उस फील्ड में आ रहा है उसे अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा, वो क्या सोच के आ रहा है, क्योंकि अगर उसने सही प्रायोरिटीज रखी है ये मिथ अपने आप बैनिश हो जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं, अगर उस व्यक्ति ने सही प्रायोरिटीज रखी है तो। अब क्या होनी चाहिए प्रायोरिटीज, मैं अपना एक आपको शेयर करता हूँ पर्सपेक्टिव। देखो यार, ज़माना बदल रहा है, समय चेंज हो रहा है, सिनेमा का भी, थिएटर का। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मुझे स्टार बनना है, मुझे बस बस स्टार बनना है, मुझे वो हीरोइक रोल करने हैं, वर्थ इट नहीं आज के टाइम, वर्थ इट नहीं। हीरोइक नाम की कोई चीज़ नहीं, ये स्टार नाम की कोई चीज़ नहीं, नथिंग इज स्टार। आप अपने आप में भी एक बहुत बड़ा स्टार है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टार है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, दूसरों की पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो, उनके जैसा बनने की कोशिश मत करो। इंस्पायर होना अच्छी बात है, बिल्कुल टू कॉपी बन जाना इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उनका ज़माना कुछ और था जिस ज़माने में उन्होंने काम करा, आपका ज़माना कुछ और है। और परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये बात ध्यान में बैठा के चलिए। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। पहली अफवाह कि सिर्फ पैसे वालों का होता है और उनका नहीं होता, ये आज भी है, जबकि बहुत ज़्यादा सिनेरियो चेंज हुआ है, फिर भी लेकिन आज भी बहुत जगह ये सुनने को मिलता है, हमको भी मिला, लेकिन हम उससे ऊपर उठे, हमें पता था कि हमें क्या करना है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं कि पैसे वालों का होता है, ठीक है, होता होगा, वहाँ पर होता होगा, ठीक, लेकिन बिना पैसे वालों का भी होता है। अगर आपके पास सही स्किल है, आपने अपने स्किल को पॉलिश किया है, तो बिना पैसे वालों का भी होता है। बहुत से ऐसे एक्टर पड़े हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, इंस्टाग्राम से ना अपनी चीज़ों, इंस्टाग्राम से
इंस्टाग्राम से किसी को मत आना। इंस्टाग्राम में अगर किसी के बहुत ज़्यादा फॉलोअर है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा एक्टर है। इंस्टाग्राम में अगर किसी के 200-300 फॉलोअर है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बेकार है, ऐसा कुछ नहीं। तो इंस्टाग्राम से प्लीज़ किसी को मत आना। और एक चीज़ और मैं बोल दूँ कि इन्फ्लुएंसर और जो ये एक्टर है इसके बीच बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन है। तो कभी भी इन्फ्लुएंसर एक्टर जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर है, अगर एक एक्टर इन्फ्लुएंसर है बात अलग है, जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर है कभी भी उस इन्फ्लुएंसर को एक्टर से कंपेयर मत करना जो एक ट्रेंड है, बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है ना। वो इन्फ्लुएंसर अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन एक एक्टर एक्टिंग की ट्रेनिंग लेके आया, फ़र्क है। तो इंस्टाग्राम से चीज़ों को मत आंकना कि ये बहुत ज़्यादा इसके हैं फॉलोअर तो बहुत बड़ा स्टार है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे बहुत से अच्छे एक्टर हैं जिनके 200-300 फॉलोअर हैं, दे आर डूइंग रियली गुड इन इंडस्ट्री। दूसरा मिथ क्या कि बंबई जाओ वहां से जाके सब कुछ होगा, नहीं, आप अपने घर से चीजों को शुरू कर सकते हो, बस राइट गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन सकते हो, खुद से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। एक शब्द है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो खुद से करोगे तब चीजें मिलेंगी, कोई तुम्हें घोल के नहीं पिला देगा। बिकॉज एक्टिंग कोई ऐसा मतलब एक्टिंग में कोई ऐसी दवाई नहीं है, औषधि नहीं, सिर्फ घोला पिलाया तुम्हारा काम हो गया तुम बन गया एक्टर। नो, तुम्हें खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। टीचर तुम्हें बस खाली गाइडेंस देगा, जो वीडियोस है वो तुम्हें गाइडेंस देगी तुम्हें ऐसे से करना है, बाकी तुम्हें खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। तो बंबई जाने से कुछ नहीं होगा, बंबई तब जाओ, मुंबई तब जाओ जब कुछ टैलेंट डेवलप हो गया है, कुछ तुमने अपने एरिया में अपने क्षेत्र में कुछ साल तक कम से कम 1.5-2 साल घिस के काम करा, तब मुंबई जाओ, तब जाके वहाँ का स्ट्रगल झेल पाओगे, अदरवाइज नहीं झेल पाओगे। सिंपल सी बात है, एकदम से अगर पैर रख दोगे तो कैसे झेलोगे, स्टेप बाई स्टेप चलो। दूसरा मिथ ये, तीसरा मिथ क्या था भाई, तीसरा मिथ कि भाई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सब कुछ नहीं है यार। क्या हर कोई जाके मुंबई में कॉम्प्रोमाइज ही करता है क्या, ऐसा कहाँ लिखा हुआ। तो ये सारे मिथ हैं, इन पे ध्यान मत दो भाई, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा अगर टैलेंट बहुत अच्छा है ना, तुम्हारी स्किल्स अच्छी, तुम अपनी स्किल्स पे रोज काम करते हो ना, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें ब्रेक मिलेगा, बस तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ मिथ है जो हमने ब्रेक करे। अब सवाल आता है कि भाई ट्रेनिंग की इतनी बात कर रहे हो, जाएं कहाँ, सस्ता क्या है, अच्छा क्या है। बहुत बहुत सारे आते हैं सवाल किया, कहाँ जाएं, क्या सस्ता है, क्या अच्छा है। तो गुरु एक जगह जहाँ तुम जा सकते हो जब तुम एक्टिंग की शुरुआत करो, उसके अलावा कहीं मत जाना। तुम्हारे आस पास कोई भी थिएटर ग्रुप हो जो अच्छे से ऑपरेट कर रहा हो, वहाँ जाओ, वहाँ सीखो, बैठो, ऑब्जर्व करो, प्ले करो, प्ले को पढ़ो, नाटक में अपने टीचर के साथ असिस्ट भी करो, स्टेज डिजाइनिंग भी करो, सारे काम करो, क्योंकि थिएटर से बढ़िया ट्रेनिंग की जगह कोई नहीं हो सकती। अगर तुम एक एक्टर बनने आए हो, थिएटर से बढ़िया ट्रेनिंग की जगह कोई भी नहीं है, और सबसे सस्ता वही है। ये बाकी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, यहाँ पे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ठीक है, अच्छे हैं, जो दे सकते हैं वहाँ जाएं, यार जो नहीं दे सकते वो थिएटर जाएं, और कहीं मत जाएं, सिर्फ थिएटर जाएं, सिर्फ और सिर्फ थिएटर। आपके अगर एरिया में कोई लोकल इंस्टीट्यूट खुला है ना कि हम आपको जो है एक यहाँ से वहाँ स्टार बना देंगे, आपको हम क्राइम पेट्रोल में काम दिला देंगे, प्लीज़ उनके चक्कर मत पड़ना, मत पड़ना। पहले थिएटर करो, वो बेसिक है, जैसे स्कूल में होता है ना कि पहले बेसिक पढ़ते, ऐसे तो नहीं कि पैदा होते सीधे पहुंच गए क्लास 11 12 में आज हम पढ़ेंगे साइंस और कॉमर्स, क्योंकि सब तुम सब कुछ तो मेन यहाँ पे ही है, पहले का तो सब बेसिक है, बकवास है। नहीं, बेसिक ज़रूरी है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो ना, तो एक्टिंग में भी बेसिक ज़रूरी है। और एक्टिंग बहुत बड़ा ग्रंथ है भाई, छोटा मोटा नहीं है। एक्टिंग का जो शास्त्र है नाट्य शास्त्र, उसे पंचम वेद कहा गया। पंचम वेद, 4 वेद थे अपने, ऋग्वेद, अथर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, पंचम वेद है नाट्य शास्त्र, पंचम वेद। बहुत बड़ी किताब है, उसे बहुत समय लगता है पढ़ने में, और जब तक पढ़ोगे नहीं, एक्टिंग को समझोगे नहीं, एक्टिंग नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ, थिएटर से बढ़िया कोई जगह नहीं, थिएटर जाओ, ठीक है, वहाँ बैठो, जो आपके सीनियर्स होंगे जो कर रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करो, फिर आपको जब नाटक मिले उस नाटक में एक्ट करने को मिले तो एक्ट करो, अगर उस नाटक में सिर्फ आपको बैकस्टेज करने को मिलता है तो बैकस्टेज भी करो, बहुत ज़रूरी है वो एक्सपीरियंस लेना, पर्दे के पीछे वाला एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। आपको म्यूजिक करने को मिले तो म्यूजिक करो, आपको अगर अपने डायरेक्टर को असिस्ट करने का मौका मिले असिस्ट करो,
आपको अगर नाटक में कोई रोल ना मिले, सिर्फ आपका काम यह है कि अगर कोई एक्टर नहीं आता उसकी प्रॉक्सी लगानी, प्रॉक्सी लगा, सीखने को यहीं से मिलता है और कहीं से मिलता। उसके बाद जब थक हार के थिएटर से घर वापस आओ, रेस्ट करो और जो सिखाया गया है उस पर खुद से गूगल पे रिसर्च करो, फिर और गूगल पे रिसर्च करो थिएटर को लेके, थिएटर क्या है, हमारा हिंदुस्तानी जो थिएटर रहा है, जो हमारा संस्कृत थिएटर रहा है वो क्या है, नाटक क्या होते हैं, नाटक कैसे बनते हैं, कौन से बहुत बेहतरीन राइटर हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ो खुद से कम साल दो साल, कम से कम दो ढाई तीन साल तो देने पड़ेंगे थिएटर में, कम से कम बता रहा हूँ। और वैसे तो कोई लिमिट ही नहीं है, करते रहो थिएटर लाइफ में, मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ साथ अपना कैमरे में भी काम करो। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, थिएटर से बढ़िया कोई जगह नहीं है आपके आसपास। मैं ये नहीं बोला कि आप जाओ दिल्ली, आप कहीं जाओ, अगर आपके शहर में थिएटर है ना, शुरुआत वहीं से करें, फिर आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, बंद नहीं होंगे। अगर आपने होप नहीं हारी ना, आपके रास्ते बंद नहीं होंगे, रास्ते खुलते चले जाएंगे। अपने लोकल एरिया का थिएटर पकड़ो, वहाँ थिएटर करो, अपने आप को थोड़ा घिसो, घिसना ज़रूरी है, ठीक है। चंदन को जब घिसा जाता है तभी तो वो एक बहुत अलग सी सुगंध देता है ना, चंदन को घिसोगे नहीं वो सुगंध क्या देगा, अपने आप को चंदन मानो, अपने आप को घिसो, सुगंध निकलेगी, लोगों तक फैलेगी, लोगों को वो सुगंध अच्छी लगेगी, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको देखने आएंगे आपके काम के लिए। तो कहाँ जाना है गुरु, थिएटर करना। यूट्यूब पे भी ज्ञान ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके आसपास थिएटर नहीं है ना, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें एक्सेसिबल है, देखो, ठीक है। और घर पे प्रैक्टिस करो उसको, फिर जब पैसे जोड़ो, जब कुछ हो तो आपके आसपास के शहर में कहीं थिएटर, फिर वहाँ जाओ। लेकिन अगर आसपास नहीं है ना लोग, अगर आपके आपके शहर में नहीं, कोई नहीं यार, यूट्यूब पे बहुत कुछ है, गूगल पे बहुत कुछ है, उसको पढ़ पढ़ के घर पे प्रैक्टिस स्टार्ट करो, कम से कम 3-4-5 महीना घर पे करो, पैसे जोड़ो, फिर अपने आसपास के जो नेबरहुड सिटीज़ हैं जहाँ थिएटर है वहाँ जाओ, वहाँ करो, फिर आगे का सोचो। समझ में आ गया? अब आता है गुरु कि चलो थिएटर करो, लेकिन अब अगर थिएटर हमारे पास नहीं है, जैसे कि मैंने बोला, हम घर पे क्या कर सकते हैं यार, हम घर पे किस टाइप की एक्सरसाइज फॉर टाइम बीइंग कर सकते हैं, अभी ज़रा मैं वो बताता हूँ। एक्टिंग में पहली बात तो ये समझ लो कि एक्टिंग में क्या क्या ज़रूरी है। अगर एक फौजी युद्ध पे जा रहा है तो उसका टूल क्या है, उसका हथियार क्या है, उसकी भुजाए कहना थी, बंदूक, ग्रेनेड है, लॉन्चर है, जितने भी हथियार हैं वो सब उनके हथियार हैं भाई। एक एक्टर जब जंग पे जाता है, यानी शूट पे जाता है, उसका हथियार क्या है, उसका हथियार है उसकी पूरी बॉडी, उंगली के नाखून से लेके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरा उसका हथियार है। तो भाई जब हथियार को ट्रेन करोगे तभी तो हथियार सही काम करेगा, जब हथियार को ट्रेन ही नहीं करोगे हथियार अच्छे से काम कैसे करेगा। तो आपकी बॉडी को ट्रेन करने के लिए बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि बॉडी में अलग अलग चीज़ें, आवाज़ एक अलग रोल प्ले करती है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से एक अलग रोल प्ले करते हैं, आपकी जो ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट है, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, इन सबको खोलना ज़रूरी है, अदरवाइज एक्टिंग बहुत स्टिफ हो जाएगी। इन सभी की जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, जब इन सभी का वर्कआउट घर पर करते हो तो वही आपकी ट्रेनिंग है। अपने वॉइस का वर्कआउट करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज का वर्कआउट करना, अपने एक्सप्रेशंस का वर्कआउट करना, इन सभी वर्कआउट को घर पे जब करोगे ना तभी धीरे धीरे एक्टिंग इंप्रूव होगी। तो अगली वीडियो में, जो आने वाली वीडियोस में, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वर्कआउट आप घर पे कर सकते हो अपनी एक्टिंग को इन्हांस करने की, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस फॉर टाइम बीइंग आप घर पे कर सकते हो। और जैसे जैसे हमारी वीडियोस आती जाएंगे आप उन वीडियोस को देख के भी नॉलेज को ग्रैस्प करना, फिर उसी नॉलेज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना खुद से, और नए पॉइंट्स मिलेंगे और नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मैंने एक इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग का जो बहुत बड़ा टॉपिक है उसमें काफ़ी हद तक लगभग सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वो बेल आइकन को जरूर दबा देना कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नमस्कार, मेरा नाम है शेखर मिश्रा, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।